एक लंबे समय के बाद आखिरकार माँ गंगा को उनकी असली पहचान वापसी का रास्ता साफ हो गया। नमस्कार, मैं हूँ आयशा, आप देख रहे हैं यूके टाइम्स टीवी। 2016 में कांग्रेस सरकार द्वारा हर की पौड़ी पर स्क्रैप चैनल घोषित करने वाला अध्यादेश मौजूदा बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया है। इतने लंबे समय के बाद मां गंगा को उनका सम्मान वापस मिलने पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता महक सिंह सैनी ने कहा, आम आदमी पार्टी द्वारा लगातार प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बनाया गया है कि सरकार जल्द से जल्द मां गंगा की पहचान को छीनने वाला अध्यादेश जल्द खत्म करे। बीजेपी सरकार द्वारा ये अध्यादेश खत्म करना जनता की जीत है। और आम आदमी पार्टी की जीत के रूप में देखता हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जगह जगह धरने प्रदर्शन किए और ये मांग जोरदार तरीके से उठाई कि जो हरीश रावत सरकार ने मां गंगा को स्क्रैप चैनल घोषित किया गया है, उस अध्यादेश को बीजेपी सरकार निरस्त करे। और आज ये अध्यादेश यदि निरस्त हुआ है तो ये जनता की जीत है, और जनता के दबाव में भारतीय जनता पार्टी को फैसला लेना पड़ा है, आम आदमी पार्टी के दबाव में फैसला लेना पड़ा है। मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया है, क्या मानते हैं? मुख्यमंत्री जी का फैसला वैसे सही है, लेकिन दबाव में लिया गया फैसला है, क्योंकि इनकी नियत जो है इस स्क्रैप चैनल को निरस्त करने की अध्यादेश को नहीं थी। और ये तो दबाव जनता का था, ये दबाव आम आदमी पार्टी का था, जिस दबाव में आज मुख्यमंत्री जी को यह फैसला लेना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं धन्यवाद देता हूं जनता को, जिसने जागरूक होकर आज उत्तराखंड सरकार पर यह दबाव बनाया और जिसके कारण ये अध्यादेश निरस्त हुआ। कैसे माना जाए कि जनता का दबाव था या सरकार ने खुद का निर्णय लिया है? जब चुनाव हुए 2017 के विधानसभा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था जनता से कि हम सरकार बनाने के बाद तुरंत स्क्रैप चैनल के अध्यादेश को रद्द करेंगे, परंतु 3.5 साल से अधिक समय चुनाव को हो गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा बिल्कुल भी स्क्रैप चैनल के अध्यादेश को निरस्त करने की नहीं थी। और जब आम आदमी पार्टी ने यह मुद्दा उठाया और आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किए, जगह जगह सरकार पर दबाव बनाया धरना प्रदर्शन के माध्यम से, मांग पत्रों के माध्यम से, तो तब जाकर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव में आकर यह फैसला लिया है और ये आम जनता की जीत है, आम आदमी पार्टी की जीत है।